पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिगलानी सेलिब्रेशन कांट रोड पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, धर्मेंद्रनाथ मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इसमें अल्पना रितेश गुप्ता भी मौजूद रहीं। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के चित्र लगाए गए। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक 17 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगी, जिसमें केंद्रीय मोदी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को स्लोगन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें मोदी जी की कहानी को भी प्रस्तुत किया गया है। आतंकवाद विश्व की मानवता को ललकार रहा है, अभूतपूर्व विकास अनुपम परिणाम, शिक्षा का एक नया अध्याय, बापू का सपना साकार किया है, स्वच्छ भारत के लिए आकार गुमनाम, नायकों को उचित सम्मान निर्धारित हो रहा है, निर्धारित करके पथ स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष दिखाए गए हैं, भारत का ज्ञान टीकाकरण में वैचारिक स्तर पर बनाए कीर्तिमान, सामाजिक न्याय के पैरोकार, वंचितों को मिलाकर अधिकार, हमारा प्रयास देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, विभिन्न प्रकार के स्लोगन दिए गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। सभी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी गई हैं। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय जननायक हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व के अंदर आज जो एक उनको बधाइयों का और उसका एक मतलब एक कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक 15 दिन मतलब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी की जयंती तक 15 दिन तक ये पूरा एक पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है। आज उसका पहला दिवस था। आज सवेरे ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया गया और यहाँ पर आज उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी से संबंधित आज उनके जो प्रेरणा सूत्र, प्रेरणादायी जो उनके कार्य हैं, उनको आज प्रदर्शित किया गया है, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक प्रेरणा मिले कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, गरीब से गरीब, वंचितों के लिए, स्वच्छता के लिए, हर चीज़ों में जिससे देश आगे बढ़े, देश का नाम हो, उसको आज हमने प्रदर्शित किया है। और आज इस प्रदर्शनी को हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सब लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं।